आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे द लास्ट मैन ऑन अर्थ के एपिसोड नंबर 2 को। लेकिन अगर इससे पहले आपने इसका फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां पर जाकर इसका फर्स्ट एपिसोड देख लीजिए, उसके बाद ये एपिसोड कंटिन्यू करिए। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फिल ने कैरोल से शादी करने के लिए हाँ कर दी थी। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि कैरोल और फिल की शादी हो रही है। लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि वो सिर्फ दोनों ही नहीं बाकी दुनिया में और भी लोग बचे हैं। ये देखकर फिल डर जाता है, वो सपने से बाहर आता है। ये उसका सपना था क्योंकि पूरी दुनिया खत्म हो गई है, उसके अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है। वो खिड़की के बाहर देखता है, उसे कोई नहीं दिखता, उसके सांस में सांस आती है। रात में कैरोल फिल के घर जाती है उसे खाना देने के लिए और उसे वॉकी टॉकी देती है ताकि उन दोनों का संपर्क होता रहे। अगले दिन हम देखते हैं कि कैरोल शादी की तैयारी में जुटी हुई है और फिल अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैचलर पार्टी कर रहा है और वो पुतला जिससे वो बातें करता था उसे अलविदा देता है। कैरोल और फिल शादी करने के लिए चर्च जाते हैं। यहाँ पर पादरी की जगह वो टेप रिकॉर्डर का यूज करते हैं। लेकिन जब रिंग एक्सचेंज करने की बारी आती है तो कैरोल देखती है कि फिल रिंग लाना भूल गया है और कैरोल उस पर बहुत गुस्सा करती है और वो वहां से चली जाती है। फिल उसके घर जाता है उसे मनाने के लिए और वो दरवाजा तोड़कर जब अंदर जाता है तो वो देखता है कि कैरोल ने काफी तैयारी कर रखी है शादी की, लेकिन उसमें कोई भी उत्साह नहीं था। ये देखकर उसे खराब लगता है और वो ओके टोके में कैरोल से बात करता है। वो कैरोल से माफी मांगता है और कैरोल भी उसे माफ कर देती है। इसके बाद ये दोनों रिंग खरीदने के लिए जाते हैं और एक रिंग एक्सचेंज करके शादी कर लेते हैं और रात में ये इंटीमेट होते हैं। लेकिन हमें फिल के चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं दिखती है। काफी दिन तक ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश रहते थे। एक दिन जब ये दोनों गाड़ी से घर जा रहे होते हैं तो उनसे एक गाड़ी टकराती है। फिल कार से बाहर आता है, उस गाड़ी की तरफ जाता है तो उस गाड़ी से एक सुंदर कन्या निकलती है। फिल उसको देखता ही रह जाता है, लेकिन वो कैरोल को भूल जाता है कि कैरोल भी कार में बैठी है। वो लड़की जिसका नाम मेलिसा होता है वो कैरोल को बाहर निकालती है और गाड़ी में आग लग जाती है। इसके बाद ये दोनों मेलिसा की गाड़ी में बैठकर अपने घर जाते हैं। मेलिसा कहती है कि मैं 2 हफ्ते से यहाँ पर घूम रही हूँ क्योंकि एक बोर्ड पर मैंने अलाइव इन टेक्सटन लिखा देखा था। अगर उस बोर्ड के नीचे उसका एड्रेस लिखा होता तो पहले ही यहाँ पर पहुँच जाती। फिल को ये दुख होता है कि अगर वो जल्दी आ जाती तो उसकी शादी कैरोल से ना होकर उससे होती। कैरोल मेलिसा को बताती है अगर तुम 2 दिन पहले आती तो तुम हमारी शादी में शामिल हो जाती। मेलिसा भी ये जान जाती है कि फिल शादीशुदा है, लेकिन फिल मेलिसा को ये बताना नहीं चाहता था। इसके बाद ये तीनों फिल के घर में आते हैं। फिर बार बार मेलिसा को लाइन दे रहा था ताकि वो उससे पट जाए। कैरोल मेलिसा को बताती है कि मुझसे मिलने के पहले बहुत गंदा रहता था, जगह जगह कचरा फैला कर रखता था। फिल थोड़ा कैरोल पर गुस्सा होता है क्योंकि वो उसकी बुराइयां कर रही थी। मेलिसा को एक घर चाहिए था रहने के लिए। फिर पूरी कोशिश करता है कि वो उसके घर रुक जाए, लेकिन मेलिसा बगल वाले घर में रुकने का फैसला करती है। इसके बाद फिल मेलिसा को रात के डिनर के लिए इनवाइट करता है और मेलिसा चली जाती है। रात में जब मेलिसा डिनर पर आती है तो वो देखती है कि फिल ने अपना पूरा गेटअप चेंज कर लिया है, उसने अपने बियर्ड और बाल कटवा लिए हैं। ये सब वो मेलिसा को पटाने के लिए कर रहा था, लेकिन फिल का ये लुक उन दोनों को पसंद नहीं आता है। डिनर करते वक्त फिल मेलिसा से फ्लर्ट कर रहा था। मेलिसा अपने हस्बैंड के बारे में बताती है कि उसने उसको इसलिए छोड़ दिया कि वो दूसरी औरत के साथ रहता था और उसको चीट कर रहा था। फिल भी उसकी हाँ में हाँ भरता है। रात में कैरोल फिल को पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए और दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए सेक्स करने के लिए बुलाती है, लेकिन फिल मना कर देता है कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। सुबह उठते ही फिल वर्कआउट करने लग जाता है ताकि मेलिसा उसको देखकर थोड़ा इंप्रेस हो जाए और उससे पट जाए। और फिल मेलिसा को एक नई कार दिखाता है क्योंकि उसने उसकी कार का एक्सीडेंट करके उसे बर्बाद कर दिया था। कैरोल उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हारे पास कार खरीदने का टाइम है लेकिन दरवाजे को सही करने का टाइम नहीं है। फिल बोलता है कि मैं जल्दी दरवाजे को ठीक कर दूंगा। जब फिल दरवाजा ठीक कर रहा होता है तो मेलिसा उसके पास आती है। वो उसे और कैरोल को बियर के लिए इनवाइट करती है। फिल उसे बोलता है कि कैरोल की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसके बाद ये दोनों बियर पीते हैं। बियर पीने के बाद मेलिसा उसे बोलती है कि अगर तुम सिंगल होते और कैरोल से शादी नहीं करते तो शायद हमारा कुछ हो सकता था, क्योंकि इस पूरी दुनिया में एक ही आदमी है, वो है फिल। ये सुनकर फिल कैरोल से शादी तोड़ने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि कैरोल उसकी और उनकी शादी की पेंटिंग से एक फ्रेम बना रही है जो कि वो दरवाजे के बाहर टांगने वाली थी। उसकी यह खुशी देखकर फिल अपना मूड बदल देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।